बदलते मौसम में पूछा, बदलते मौसम की खासियत ये होती है कि तापमान जो है वो अब हल्के हल्के परिवर्तित होगा, शरीर हमारा उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता है, ख़ासतौर से गला एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये समय है जबकि वायरस और बैक्टीरिया और फंगस सबका हमारे गले में फेफड़ों पे संक्रमण होगा। आती है कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा, अभी जो समय गुजरा है उसमें इन्फ्लुएंजा H3N2 जिसमें कि सर्दी, जुकाम, नज़ला, आंखों का लाल होना एवं खांसी, बहुत तेज बुखार, शरीर में दर्द, इस तरह के लक्षण थे। ये एक सामान्य तरह का इन्फ्लुएंजा था, हर बार नए नए प्रकार का इन्फ्लुएंजा आता है। दूसरा इन्फेक्शन जिसके बारे में सब जानते हैं, कोरोना, किसी को पता नहीं क्या दोबारा से आ जाए या नहीं आए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा टाइप ही इन्फेक्शन है। फर्क इतना है, कोरोना बहुत तेज़ी से संक्रमित करने वाला, बहुत तेज़ी से शरीर में फैलने वाला और अत्यधिक मारक क्षमता वाला, मारक क्षमता यानी कि शरीर को कितना नुकसान पहुंचाने वाला वायरस है, जबकि इन्फ्लुएंजा इतना घातक नहीं है। हम और बीमारियों की बात करते हैं तो टाइफाइड इस मौसम में बहुत बढ़ जाता है, पीलिया या जिगर पर सूजन आना बहुत बढ़ जाता है, मलेरिया, क्योंकि यही समय जब अनुकूल है, ना मौसम बहुत गर्म है ना ठंडा है, हमें भी बड़ा सुखद है, मच्छरों को भी उतना सुखद है, वो भी खूब फूलते फलते हैं, बैक्टीरिया भी फूलते फलते हैं, मलेरिया बहुत होता है। इसके अलावा कॉलरा होता है, उल्टी, दस्त होते हैं और आँखों में एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस होती है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब गेहूँ की कटाई शुरू हो गई है, गेहूँ की कटाई में निकलने वाला भूसा बहुत बड़ा एलर्जी का कारण है। तो एलर्जी संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जैसे दमा हो जाना, आँखों का लाल होना, अर्टिकेरिया जिसको हिंदी में पित्ती या चकत्ते कहते हैं, रनिंग नोज, लगातार नाक का बहना, लगातार छींकों का होना, ये सब एलर्जी से जनित समस्याएं हैं जिनका अब अगले महीने इनका प्रकोप काफ़ी रहेगा। ध्यान किस बात का रखना है, सुबह गले में खिचखिच हो, गरारे कीजिएगा, यदि खांसी बलगम बढ़ता चला जाए डॉक्टर को दिखा के एक समुचित एंटीबायोटिक लीजिएगा, खाने पीने में परहेज कीजिएगा, रात को पूरे कपड़े पहन के सोइएगा, अभी एसी का प्रयोग ना करें, रात को पंखा हल्का चलाएं, एक पतला कंबल ओढ़ के सोएं, क्योंकि प्रातकाल की बेला ज़्यादातर इस संक्रमण के लिए उत्तरदायी होती है। धन्यवाद।